नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro के 6GB और 128GB वेरिएंट का एक अनबॉक्सिंग, और इसमें हम लोग क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ हम लोग आपको दिखाएंगे 4GB और 64GB के साथ में इसका डिफरेंस क्या है, बॉक्स के अंदर में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलता है और बॉक्स के साथ साथ फ़ोन के अंदर में आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, यही सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। हालांकि बॉक्स को देखने को मुझे लग रहा है दोनों ही बॉक्स में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है और बॉक्स कंटेंट्स भी शायद कोई डिफरेंस ना हो, और ये भी 4GB 64GB का सील भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा पाऊंगा एग्जैक्टली दोनों ही बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, और दोनों ही रिटेल बॉक्स है तो आपको अगर आप खरीदते हैं तो आपको एग्जैक्टली यही चीज़ मिलेगा। तो चलिए फटाफट सील ब्रेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 6GB और 128GB लिखा गया है और नेपच्यून ब्लू कलर में मेरे पास आया है, तो चलिए इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया 6GB और 128GB ओपन, और 4GB और 64GB का भी अनबॉक्सिंग हो गया है। और तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट में एनवेलप टाइप मिल जाता है जिसके अंदर में आपको TPU केस मिल जाता है, और साथ ही में आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन और लीफलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, और सेम ही आपको 4GB में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिम इजेक्टर पिन और साथ में आपको TPU केस और कागज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो सेम ही है यहाँ पर, कुछ अलग नहीं है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके बाद में Redmi Note 7 Pro और दोनों ही नेपच्यून ब्लू कलर में आया है, तो दोनों का ही आप देख सकते हैं दोनों का ही नेपच्यून ब्लू कलर के आया है, और दोनों का ही कलर बिल्कुल ही सेम है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, फ्रंट से भी आप देख सकते हैं सिमिलर ही है। तो जो इंटरनल्स है इंटरनल्स में ही थोड़ा सा चेंज है और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, और फर्दर अंदर में जाएंगे तो दोनों में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे USB केबल और यहाँ पे उसके साथ में आपको अडैप्टर देखने को मिल जाता है, और अडैप्टर भी सेम रेटिंग का ही दिया गया है, यहाँ पे अलग से कोई अडैप्टर दिया नहीं गया है, देख सकते हैं सेम रेटिंग का ही आपको अडैप्टर दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट दोनों ही फ़ोन को ओपन कर लेते हैं, यानी कि ऑन कर लेते हैं, और देख लेते हैं दोनों फ़ोन के अंदर में इंटरनल्स में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, इंटरनल स्टोरेज कितना खाली मिलता है, फ्री रैम कितना खाली मिलता है। दोनों ही फ़ोन फर्स्ट टाइम के लिए बूट होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन का बूट यहाँ पे हो गया है, और फर्स्ट बूट है दोनों ही फ़ोन का, देख सकते हैं बिल्कुल ही सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिया गया है। तो चलिए सेटिंग चले जाते हैं, सेटिंग में जाके देख लेते हैं सेटिंग में यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कि स्टोरेज में आपको मेनली स्टोरेज में और रैम में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो चलिए जाके देख लेते हैं। तो फर्स्ट बूट है दोनों ही फ़ोन का, और दोनों ही फ़ोन एकदम ही फर्स्ट बूट हुआ है, दोनों ही फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कितना स्टोरेज आपको खाली मिलता है फर्स्ट बूट में। तो देख सकते हैं दोनों ही फोन्स में से आपको 51.78GB फ्री मिलता है आउट ऑफ 64GB, और 6GB वाले वेरिएंट में आपको 113.61GB फ्री देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, और साथ में यहाँ पे आपको रैम का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऐप्स बिल्कुल सिमिलर है, हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं 6GB वाले वेरिएंट में मुझे पेटीएम का अलग से इंस्टॉल यहाँ पे किया हुआ दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम अलग से इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको 4GB मॉडल में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पेटीएम अलग से इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पर पेटीएम इंस्टॉल्ड नहीं है। तो यहाँ पर पेटीएम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है 6GB वेरिएंट में, जबकि आपको 4GB वेरिएंट में ये ब्लोटवेयर जो है फ्री देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन देख लेते हैं, यानी कि MIUI वर्जन क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अबाउट फोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, 6GB वेरिएंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबल वर्जन 10.2.7 प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जबकि आपको यहाँ पे 4GB वेरिएंट में आउट ऑफ द बॉक्स 10.2.2 का अपडेट देखने को मिलता है। हालांकि इसमें भी आपको अपडेट मिल जाएगा फ़ोन को अनबॉक्स करने के बाद, जब भी आप वाईफाई पे कनेक्ट करेंगे तो आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो अपडेट प्री इंस्टॉल होकर ही आता है, तो ये एक अच्छी बात है, आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलता है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज भी दोनों का दिया गया है, बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर अलग से कुछ नहीं दिया गया है। और चलिए आप लोगों को दोनों का रैम दिखा देते हैं। यहाँ पर 4GB और 6GB वेरिएंट में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 4GB में से देख सकते हैं यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 2GB का फ्री रैम देखने को मिलता है, जबकि आपको 6GB वेरिएंट में 4GB फ्री रैम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी एक ह्यूज डिफरेंस है
देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 GB और यहाँ पे 4 GB का आपको फ्री रैम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। 6 GB वेरियंट अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो 6 GB आपको लेना चाहिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे 4 GB वेरिएंट भी आपको उतना ख़राब नहीं होगा। आप यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपको उतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको 6 GB में 128 GB स्टोरेज मिल रहा है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। तो यहाँ पे यही था आज का ये वीडियो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया कि दोनों ही फोन में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ रैम और स्टोरेज छोड़कर आपको दोनों फोन्स में से अलग कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यही था ये वीडियो का मोटिव। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा इन दोनों फ़ोन का एक स्पीड टेस्ट और यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को लेके एक वीडियो बनाने की। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और आपका दिन शुभ हो।